और ठीक हो सारे? उम्मीद करो आप सारे ठीक हो गए। थारा सबका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। मैं सवेरे सवेरे उठ गई हूँ। आपने जैसा मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत सी मेरी थोड़ी डाउन है, क्योंकि रात ने पूरी रात नींद नहीं आई। आजकल बस ऐसा ही रहा है, पूरी रात कब तक नींद तो आ भी जावे और कब तक ना आवे। तो सवेरे सवेरे मैंने ले लिया पानी भी, एक गिलास मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद साथ में एक दवाई लेंगी, फिर चाय बनाऊँगी। चाय पी का थोड़ा सा आराम मिलेगा, या तो यार नींद सी उतरे जावेगी, जो आँखें में है भी और पूरी नहीं हो रही, परेशान सी हो रहा है। ये टाइम थोड़ा मुश्किल हो रहा है नींद का, तुमने पता ही है आंधी को नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल आ भी जावे कोई पता को नहीं है उस चीज़ का। पर सबका जो जो भी प्रेग्नेंट है सबका यही हाल है मेरे ख्याल से। कभी पेट दुखने लग जाए, कभी कमर, और कभी नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा मन दुखी हो जाए कई बार। तो चलो मैं एक बार दवाई ले लेती हूँ। देवी के खा रही तू? अनार। अनार लाल तो कोनी है? पता नहीं लाल ले नहीं है। तो इन तक खून दे रही है कि इन पर खून ले रही है? हैं? कमी हो रही है ना खून की? काम कर ले उरे ना, देखा है दंदरे पैटरी पढ़ कर आज ही नहीं याद कर ले बेटा पढ़ाई। हैं? फिर बैठ जान डा क्यों है? बैठ जाए तो तबीयत डाउन हो जाएगी पागल। हैं? फिर ज्यादा नहीं हो जाएगी? अच्छा बैठ जा, आजा। अंशु खान लग रही अपनी नमकीन खा ले, और मैं अपना साइंस चरित्र पढ़ूंगी। साइंस चरित्र कार्ड कर लाई हूँ, और आज मैं एक मिनट अपना दिखा दूँ। आज मेरा है श्री साईं बाबा का रहन सहन, सैन पटिया शिरडी में निवास, उनके उपदेश, उनकी विलयशीलता, नानावली, सुगम पथ, इस वाले अध्याय पा रही हूँ। आज मैं ये वाला अध्याय पढ़ूंगी, देखो ये वाले अध्याय क्या सिखाता है, ये मैं पढ़ लेती हूँ। शाम के लगभग 4:30 हो गए हैं और मैं खाने लग रही हूँ सेव। क्या करा है? फिर मैच देख रहा हूँ फोन में। कल था जब तो देखा नहीं दिया। देखा तो था? देखा नहीं दिया था। फिर इतनी देर देखा करे? जितनी देर हो उतनी देर देखी है। आग दुखन लग जाए। ये खा ले। याद में मेरी सेब नहीं खा रहा। मैं खुद खा लूँ। आज मैंने देख लियो ये बाल खोल लें बाड़ा में कांगा मारन खातर। सवेरे की ना बिल्कुल भी तबीयत सी इतनी डाउन सी लग रही थी, शायद तो बीपी लो हो रहा मेरा। बीपी लो की वजह से ना तो नींद आई मैंने, और थकावट सी इतनी लग रही थी ना, तो आज इतना कुछ खाने का मूड था और ना ही इतना कुछ, बस ना कभी मैनू पड़ी थी ना, मैंने बाल बाए ना कुछ लगाया ना कुछ, बस नुए पड़ी थी मैं। इन लोग बख्शा का टाइम हो गया है, मैं बाड़ा में कंगा मारूंगी, सो जाऊंगी, फिर थोड़ी देर बाहर बैठूंगी या थोड़ी देर आंट दूंगी, थोड़ा चक्कर बक्कर सा लगाऊंगी, थोड़ा आराम सा मिलेगा तो, क्योंकि मूड इतना ख़राब सा लग रहा है आज, पूरा दिन हो गया सवेरे से। देखो भी हो जा तो सही मूड ही। सोने ब्लॉग में आप सारा तेनु बोलिया था कि मैं आप तक बताऊंगी कि मैं के पूरा दिन में खाया करूँ। वैसे तो कोई फिक्स चीज़ नहीं है कि मैं के खाया करूं और के ना खाया करूं, लेकिन फिर भी जो जो मैं खाऊं हूं मैं बता दूं। जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, मेरी बहन है, तो उनने भी थोड़ा आइडिया हो जावे, कुछ मैंने उनकी सुनका हो जाएगा, कुछ उनने मेरी सुनका हो जाएगा। और जो पूरी मेरी जर्नी है, क्योंकि अब मेरा 6 मंथ लगा हुआ है, जो मेरी फर्स्ट मंथ से लेके और इस तक जो भी मेरा है, क्या बोला करें उसने, जो भी मेरी डिटेल्स है वो मैं उसका मैं एक अलग व्लॉग बनाऊंगी पूरा, क्योंकि इस व्लॉग में बीच में ऐड होनी होगा। तो सब तो पहले सवेरे उठ के मैं पानी पिया करूँ, एक गिलास पानी,
मैं गुनगुना पानी कौन पीती, मतलब थोड़ा सा उसमें ठंडा डाल के पिया करूँ, मतलब आधा तो ऊपर ग्लास तो वैसा पानी नॉर्मल पानी और उसमें थोड़ा सा ठंडा। उस गला में खाली पेट उल्टी वाली दवाई लिया करूँ जिससे मेरी उल्टी ना लग गए, क्योंकि भी इतना टाइम हो गया अगर मैं वो मतलब दवाई ना लूं उल्टी वाली तो फिर भी मेरी उल्टी लग गए है। कहिया कनू अभी चौथा पंच में मैं बंद हो जावे है, लेकिन मेरी बंद कौन हुई, मेरी भी उल्टी लग गए है। उसके बाद मतलब मैं चार बिस्कुट चाय के साथ खाया करूँ, चाय ऐसी बिल्कुल काली चाय नहीं बनाते कि बहुत ज़्यादा पत्ती की, बस नाम मात्र पत्ती डाल कर दूध पत्ती चाय बनावे हैं ताकि हेल्थ ने भी कोई नुकसान ना करे। और दूसरी बात कि बोला करें फिर मैं पांच बादाम, ये मैंने चौथे मंथ तक स्टार्ट करे हैं, और एक गिलास दूध का। उसके बाद मैं या तो एक केला या फिर सेब एक घंटे बाद, या फिर मैं चुकंदर का और मौसमी का जूस पिया करूँ। यह डाइट मेरी 11 बजे कंप्लीट हो जावे है, एक आधे दिन मिस हो जावे मैं कहती नहीं, लेकिन हो जावे इतने मेरी कंप्लीट यह डाइट हो जावे है। उसके बाद मैं केक रख दूँ, उसके बाद मैं अपनी कैल्शियम की दवाई लिया करूँ और खाया करूँ मखाने, कम से कम लगभग 10 मखाने मैं खाया करूँ। उसके बाद इतने मतलब 11:30 का लगभग टाइम हो जावे है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, उसके बाद इतना मैं साथ में खाना बनाती हूँ, घर का काम करती हूँ, झाड़ू करती हूँ, बर्तन करती हूँ, वो पोछा वाइपर के साथ लगा पाऊँ तो लगा देती हूँ, ना मेरे हस्बैंड लगाते हैं वाइपर के साथ पोछा, मेरी हिम्मत नहीं होती, ज़्यादा देर मेरे से खड़ा नहीं होया जाता, तो मैं जितना काम कर पाती हूँ मैं उतना करती हूँ, जैसे बर्तन हो गया, झाड़ू हो गया, पोछा भी दूसरे तीसरे दिन मैं लगाती हूँ, नहीं तो मेरे हस्बैंड वाइपर के साथ लगाते हैं जो खड़े वाला पोछा हुआ उसके साथ। और फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ इतना रोटी और सब्जी मैं बनाया करूँ, रोटी बनाऊँ सब्जी बनाऊँ, मतलब सब्जी में आप सब्जी कोई भी हेल्दी सब्जी कोशिश करो, हेल्दी सब्जी बनाओ, हरी सब्जी बनाओ, हरी सब्जी खाने की कोशिश करो, रायता दही दिन में मैं दही या लस्सी ज़रूर लिया करूँ, अगर आपका रायता खाने का मन है तो रायता खा लो, या फिर आप दही या लस्सी जो भी खाने का मन है वो खा लो। उसके बाद मैं एक या दो घंटा रेस्ट करा करूँ, फिर उठ के मैं क्या करा करूँ, फिर उठ कर मैं कोई एक फ्रूट खाया करूँ, या फिर मैं जूस कौन पिया करती, शाम ने मेरा डाइजेस्ट कौन ही होता, तो शाम ने मैं मतलब कोई भी सेब खा लूँ, जी करा तो केला खा लूँ, ना एक या दो लीची खाऊँ, ज़्यादा नहीं खाती, एक आधी बार एक या दो आलू बुखारा खाऊँ, मतलब चेंज कर कर का फ्रूट खाऊँ, बिल्कुल सेम आई बार नहीं खाया जाता। यह मेरी 3-4 बजे लग की जर्नी है, बाकी की मैं दूसरे अलग व्लॉग में ऐड करूँगी, क्योंकि व्लॉग हो गया है लंबा। तो आप सारे जने मेरे व्लॉग ने लाइक करियो, शेयर करियो, आपके घर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है या फिर दीदी आप खुद हो जो भी कोई मेरा व्लॉग देख रही हो, तो व्लॉग ने लाइक करियो, शेयर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। और मैं अपनी ड्रेसेस इस टाइम सिलवा को नहीं रही, घाटे सिलवा रही हूँ, तो मैं कौन सी ऐप पर मंगवा रही हूँ वो भी मैं सारी डिटेल दूँगी। तो आप अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी कमेंट कर सकते हो, कोई सवाल पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो। और मिलेंगे अगले व्लॉग में, इतने सब ने राम राम, लाइक शेयर जरूर करके जाइए। 7:30 का टाइम हो रहा है और मैंने मंगवाई है कुल्फ़ी, और यह देखो टीवी देख देख दी आज का ये कुल्फ़ी लेना है वंशु, 20 रुपया लगेगा जब कुल्फी मिलेगी तो जल्दी खा ले बेटा, मेल्ट हो जाएगी।